हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम क्रिएटिविटी विद सुचि में। और मैं हूँ सुचित्रा। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कुकिंग और अभी बहुत ही कम टाइम हुआ है, अभी इवनिंग के सिर्फ 5:30 बजे है और मैं खाना बना रही हूँ रात का, क्योंकि मेरी हो गई है तबीयत ख़राब और दिन में मैं कुछ बना नहीं पाई तो दवाई लेके सोई रही और अभी थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं सोच रही थी अभी खाना बना लूँ। तो आप सबने तो पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि अपूर्वा अभी घर गई है और उसके चले जाने से हम लोग को कैसा फील हो रहा है, और मैं कुछ क्लिप भी ऐड करूँगी कि जिस दिन हम उसको छोड़ने गए थे उस दिन का। तो आप लोग वीडियो में जरूर बने रहना। तो आज हम लोग करेंगे बेड की को ठीक, सोफा वाले बेड को हम लोग सोफा बनाएंगे। और देखो बीच में चल दी है, अब टूटेगा। तो ये जिस दिन गई थी अपूर्वा अब देखते हैं क्या होता है घर, उस दिन सवेरे का ये है शूट किया हुआ। और इस समय तक आस्था ज़्यादा सैड नहीं थी, तब तक खेल रही थी, पर अभी इसके बाद देखिएगा कि उसका कितना बुरा हाल हुआ है। इस समय तो दोनों मस्ती कर रहे थे और ये बैठ ठीक कर रही है अपूर्वा। जब जैसे जैसे जाने का टाइम पास आने लगा, आस्था का मूड एकदम ऑफ हो गया। अच्छा, तुम्हें क्रिकेट चाहिए? चल बाहर लेके जा दे। चल अभी शांत। कैसा लग रहा है अपूर्वा? बहुत ही बुरा। तो ये हम लोग जा रहे थे हावड़ा स्टेशन और वहाँ से लोकल लेके चंदन नगर जगह है जहाँ पे अपूर्वा का घर है, तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स मिलने वाले थे। तो ये हम गाड़ी में हैं और बड़ी मुश्किल के बाद आस्था का मूड थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ। उसको लगातार उसको अपूर्वा मतलब खेल रही थी उसके साथ, लेकिन फिर भी अंदर से वो बहुत ही परेशान थी। देखिए हाथ पकड़ के जा रही है, वो दीदी का हाथ नहीं छोड़ रही थी। और ये हम लोग बस हावड़ा स्टेशन पहुंच गए हैं और अभी मैं दिखाती हूँ कि कैसा है। ये पार्किंग एरिया से हम लोग निकल रहे थे गाड़ी पार्क करके, और उसके बाद ये देखिए ये है हावड़ा स्टेशन का, यहाँ पर मेन गेट होता है, तो ये ऐसा दिखता है। और सबने नाम तो सुना ही होगा, बहुतों ने देखा भी होगा। मैं वहाँ पे थी तो मैंने सोचा चलो इसे भी शेयर किया जाए। और अपूर्वा को छोड़ने के बाद हम लोग लौट रहे थे घर, तो रास्ते में ये हम लोग गए थे एक मार्केट में, तो ये कालीघाट बोल के जगह है और वहाँ पे गड़ियाहाट एक मार्केट है, वो पूरा मार्केट एरिया है और वहाँ पे शॉप भी हैं कई सारे और ऐसे रोड साइड भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं सस्ते दामों पे मिलती है, तो बस आपको बारगेनिंग करनी आनी चाहिए। तो फ़िलहाल तो मैं एक शॉप में हूँ और देख रही थी आस्था के लिए कुछ चीज़ें घर में पहनने के लिए, पजामा वगैरह, क्योंकि आस्था का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था तो उसको खुश करने के लिए हम लोग कुछ कुछ दिलाने ले आए थे। उसको एक क्रिकेट का बॉल भी चाहिए था और वाटर बॉटल चाहिए था, तो वो सब दिलाने के बाद मैं सोची कि कुछ घर में पहनने के लिए कपड़े ले लूं। तो वही बच्चों के सेक्शन में ही मैं देख रही थी। और ये है वो मार्केट जिसकी मैं बात कर रही थी, रोड साइड में जो है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसे हम गड़ियाहाट मार्केट कहते हैं और बस बारगेनिंग अच्छे से करें, फिर बहुत सारा मतलब अच्छा सामान सस्ते दामों पे मिल जाता है। तो यहाँ से तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया,
छोटी छोटी चीज़ें जो घर में ज़रूरत की थी वही ली, क्योंकि मौसम था ऐसा कि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो फिर जल्दी जल्दी निकलना भी था हमें घर, और अच्छा भी नहीं लग रहा था। अपूर्वा को छोड़ के आने के बाद हम सबका मूड इतना ऑफ हो गया था कि वो शॉपिंग में भी मन नहीं लग रहा था। तो आस्था ने कई सारी चीज़ें दीदी के लिए ही पसंद की, और कुछ घर के लिए एक दो मैंने बेडशीट लिया। हेलो। पढ़ो पढ़ो। तो आस्था अभी पढ़ाई कर रही है और आस्था को दीदी की बहुत याद आ रही है। इतनी कि मतलब उसको मुझे हर 3-4 घंटे में समझाना पड़ता है कि दीदी आ जाएगी, अभी गई है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। तो अभी तो खैर थोड़ा ठीक फील कर रही है, तो अभी पढ़ाई करने बैठी है, क्योंकि एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं, शॉर्ट टेस्ट शुरू हो गए हैं, और काफ़ी रूम फैला हुआ है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं ऐसी सो रही थी। आस्था की बुक्स, ड्राइंग बुक्स, कुछ सूखे हुए कपड़े मिले हुए क्या करूँ, एक एक करके करूँगी, तो यही चल रहा है अभी।